गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चैप्टर 6 ट्राइंगल थ्योरम 6.1। टुडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट दिस थ्योरम। एक्चुअली व्हाट इज दिस थ्योरम, जस्ट फर्स्ट आई एम रीडिंग इट। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। हियर इट इज गिवन, दिस DE इज पैरेलल टू द BC, थर्ड साइड दिस BC, दिस DE इज पैरेलल एंड दिस DE इज इंटरसेक्टिंग AB एट D एंड AC एट E. These D and E are the two distinct point. It is given here distinct point means this D and E are the two distinct point which are lying at AB and AC respectively. Now what we have to prove? We have to prove that this AD upon DB is equal to AE upon EC. Means these two sides will divided into the same ratio. So that means what we have to do, that to prove AD upon DB is equal to AE upon EC, that we have to prove, means the ratio of both two sides will be equal. So before doing this, that is, we have to do some construction. Join this BE, join this CD, draw perpendicular EN to AB, that is EN perpendicular to AB and DM perpendicular to AC. These are the two perpendiculars given here. What is given here? This DE parallel to BC and this D is intersecting AB at D and AC at E. Now we will solve this. ये लाइन AD, अब यहां पर देखो ये लाइन AD है तो मैं ट्राइंगल ले लूंगा ADE, तो इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये देखो हाफ इंटू बेस, इसका बेस ये है AD जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, और परपेंडिकुलर H मींस EN, ये जो है हो गया है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। उसी ढंग से हम अब एरिया निकालते हैं सेकंड ट्राइंगल का। यहां पर देखो एरिया किसका निकालेंगे हम, BDE का, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी डी ई, बी डी में देखते हैं हम, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू सिमिलरली हाफ इंटू बेस, बेस इसका क्या है डी बी, और हाइट इसकी कितनी है, देखो हाइट सेम होगी, पूरी ये हाइट ई एन पूरी एबी के ऊपर हाइट है, तो हाइट वही होगी ई एन जो पहले वाले ट्राइंगल के ऊपर थी ई एन। ये देखो मैंने इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया है। अब दोनों ट्राइंगल के एरिया को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, तो इसकी हम वैल्यू, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, तो इसकी वैल्यू आई हाफ इंटू एडी इंटू ई एन, ठीक। और ये दूसरा जो ट्राइंगल है नीचे, इसकी भी वैल्यू आई हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन, बोथ हैव सेम हाइट, नाउ द कैंसलिंग आउट दिस ई एन एंड हाफ एंड इट विल कम आउट दैट एडी अपॉन बी डी, AD upon BD, इसको हमने जो है इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन वन। अब व्हाट वी रिक्वायर दिस AC upon EC, दिस AC अगेन दिस AE, सॉरी दिस AE अगेन कमिंग इन द सेम ट्राइंगल ADE। देखो इस ये AE जो है इसी ट्राइंगल में आ रहा है ADE में, तो हम फिर से इसका एरिया निकालते हैं। तो अगेन एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए
डी ई, तो ए डी ई का ट्रायंगल का एरिया वही होगा, लेकिन इसमें एक चीज बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? इसका परपेंडिकुलर बदल जाएगा और इसका बेस भी बदल जाएगा, एरिया तो उतना ही होगा। तो ये जाएगा हाफ इंटू बेस, अब की बार बेस हो जाएगा कितना, ए ई, ठीक है, ये ए ई, और इस ए ई के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा है, डी एम, ये देखो ये डी एम परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास ए ई तो इसमें ही आ गया है, उसी ढंग से ई सी, ई सी कौन से ट्राइंगल में आएगा, यह जाएगा डी ई सी। तो अब लेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे हम, डी ई सी, डी ई सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी। अब देखो इस ट्राइंगल का जो है बेस क्या है, इस ट्राइंगल का बेस है ई सी, ये देखो ये ई और सी, इसका ये बेस आया, लेकिन हाइट कौन सी होगी, डीएम होगी, हाइट सेम होगी ये, क्योंकि हाइट चाहे बाहर डालो ट्राइंगल के चाहे अंदर, हाइट सेम रहेगी। अब अगेन वी विल डिवाइड दीज टू एरिया, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, डी ई सी, इसको डिवाइड करेंगे, इनकी वैल्यू को पुट करते हैं हम, तो हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम अपॉन हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। अब देखो ये वैल्यू जो है कैंसिल हो जाएंगी, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, अगेन ए ई अपॉन ई सी, इसको हमने इक्वेशन टू को, इसको इक्वेशन टू कंसीडर कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि ये इक्वेशन, ये वाली चीज और ये वाली, ये दोनों इक्वल कैसे आएंगे, ये दोनों इक्वल आने के लिए हमारे पास देखो हम क्या करेंगे कि यहां पर जो ये एरिया देखो ये अपॉन डी बी ई है और अपॉन डी ई सी है, इन दोनों एरिया को इक्वल करते हैं, तो ये दोनों एरिया इक्वल कैसे हो जाएंगे, क्योंकि एक लाइन पैरेलल ये है और एक ये है, इनके बीच आने वाले जो दो ट्राइंगल हैं, दो ट्राइंगल कौन से हैं, डी ई बी एंड डी ई सी, दीज टू ट्राइंगल विल हैव इक्वल एरिया बिकॉज दे आर इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन कौन सी होंगी, सेम डी ई एंड बी सी, और सेम बेस कौन सा हो गया, बेस हो गया डी ई, इसलिए इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा, ये डी ई बी एंड डी ई सी, इन दोनों का एरिया इक्वल कर देंगे हम, तो दोनों का एरिया, अब देखो ये एरिया इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, डी ई और बी, डी ई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा जाएगा, ये डी ई सी, देखो डी ई सी और डी ई बी का एरिया इक्वल हो जाएगा, इसका रीजन क्या है, सेम बेस, सेम बेस, सेम बेस कौन सा है, डी एंड बिटवीन, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस कौन सी है, डी ई पैरेलल टू बी सी, इसलिए जो है एरिया जो है क्या हुआ, इक्वल हुआ है, ये दोनों एरिया इक्वल हुआ। अब हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास पीछे एरिया था उन एरिया में जो है ये डाल देते हैं हम, पता क्या लिख लेंगे इसको, देखो इसको लिख देंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन, यहां पर देखो इस एरिया के जो ये डी ई बी है, डी ई बी, ये बी है यहां पर, ये डी ई बी, डी ई बी की जगह मैं क्या लिख लेता हूं, एरिया ऑफ डी ई सी, ये मैं लिख लेता हूं, ये आया कितना है, ये आया है ए डी अपॉन डी बी, ठीक है, ये मैं इसको मान लेता हूं थर्ड क्वेश्चन। अब देखो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड में, सेकेंड और थर्ड से हम ले लेते हैं, तो आप देखेंगे कि ये चीज जो है दोनों सेम आ जाएगी, तो फ्रॉम फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, ये एडी
AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बस हमें यही प्रूव करना था, हमें यही प्रूव करना था, ठीक है ना। ये हैंस प्रूव, इसका मतलब ये हुआ कि ये अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस दोनों साइड का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा। इसको हम थेल्स थ्योरम या बीपीटी भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दिस इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम।